Dear viewers, Assalamu alaikum. Dear viewers, आज की हमारी जर्नी जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं नौकोट फोर्ट से, और आज हम जाएंगे थरपारकर के एक छोटे से लेकिन बहुत मशहूर और बहुत ही खूबसूरत छोटे से शहर डिप्लो में। डियर व्यूअर्स, आपको बताता चलूं, डिप्लो नौकोट से तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पर वाकई है, और ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये थर के एरिया में पूरा का पूरा डेजर्ट वाला एरिया है जिसको आज हम कवर करेंगे। तो ये मैं पहुँचा हूँ एक चौक में, यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो आगे मिट्टी को चले जाएंगे, और अगर आप यहाँ से राइट ले लेते हैं तो आप डिप्लो चले जाएंगे। यहाँ से डिप्लो तकरीबन इस चौक में, जिस चौक में अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन 52 किलोमीटर के फासले पर डिप्लो शहर है। तो ये नौकोट से पहला चौक है, यहाँ से आपने ये वापस नौकोट की तरफ जा रहा है, और ये लेफ्ट वाला रोड जो है ये वाला, ये डिप्लो को जा रहा है। 20 किलोमीटर के फासले पर पीली दो चौक एक आएगा, वो रोड है या वो चौक है जो बदीन से डायरेक्ट मिट्टी को जाता है, जो मैंने आते हुए बदीन से जब मैं आ रहा था नौकोट की तरफ तो बंगू मोड़ से मैंने जो रोड को छोड़ा था वही फिर 20 किलोमीटर के फासले पर इस रोड पर आगे जाके उसी रोड में मैं दोबारा मिल जाऊंगा। लेकिन आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है डिप्लो। तो डियर व्यूअर्स, अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ डिप्लो रोड पर जो कि नौकोट से निकलता है, और ये तकरीबन 55 किलोमीटर के करीब आज की मसाफत है हमारी जो आज हम तय करेंगे। और बताता चलूँ कि ये सारा का सारा डेजर्ट एरिया है। अभी हम थर में दाखिल हो चुके हैं, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम थरपारकर है जिसमें मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे व्यूज़, जैसा कि डियर व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आपको यकीनन अपनी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे व्यूज़, लश ग्रीन एरिया और भरपूर नज़ारे। क्योंकि डियर व्यूअर्स, मैं एक प्लानिंग के तहत मैं इसका जो रेनी सीज़न था वो एंजॉय करने के लिए ख़ुद और आपको दिखाने के लिए अगस्त में यहाँ पर आया हूँ इस इलाके का विज़िट करने के लिए, ताकि एक अच्छी यादों और एक अच्छे व्यूज़ के साथ मैं यहाँ से वापस जाऊँ। गो के गर्मियों में अगर आप यहाँ आएंगे तो ये पूरा का पूरा आपको एरिया रेत ही रेत नज़र आएगी, और ये जो सब्ज़ा अभी आपको नज़र आ रहा है ये एक खुश्क पत्तों में या खुश्क शाखें नज़र आएंगी आपको यहाँ पर इस एरिया में। लेकिन उसके बरक्स अगर आप अगस्त में आते हैं मानसून में या रेनी सीज़न में यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और इस एरिया को विज़िट करते हैं तो ये इलाका आपके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और लश ग्रीन, सरसब्ज़ और शादाब इलाका आपको नज़र आएगा। डियर व्यूअर्स, इस रोड पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ सब्ज़े में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि जो नौकोट फोर्ट है बेसिकली वो थरपारकर की स्टार्टिंग है। तो डियर व्यूअर, रास्ते में एक जगह पे रुके हैं, थरपारकर का जो एक जानवर है गाय, जो कि एक मुनफरद शक्ल सूरत का है, ये पाकिस्तान में कहीं और आपको नज़र नहीं आएगा,
तो ये एक रेवड़ आ रहा था, मैं इसको देखने के लिए कुछ देर के लिए रोड पर रुका हूँ। बहुत बड़ा रेवड़ है, अभी हम पहुंच चुके हैं इसी रास्ते पर एक जगह पर। ये एक हिंदू मज़हब का मंदिर है जो कि बड़ा खूबसूरत बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर जून के महीने में हिंदू कम्युनिटी का जो एक मेला लगता है बहुत बड़ा, जिसमें बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान और थरपारकर के खासकर लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। लेकिन इस जगह की जो वीडियो बनाना ममनू है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो डियर व्यूअर्स, अभी हम जो है डिप्लो जो सिटी है थरपारकर का, जो कि एलओसी के बिल्कुल करीब है, और ये इससे आगे का जो एरिया है एलओसी का रन कच्छ का इलाका कहा जाता है, और सात समंदर भी आ जाता है इसके करीब। तो अभी हम जो बॉर्डर एरिया का या एलओसी के करीब का एक शहर है सिंध का, थरपारकर का डिप्लो, अभी हम उसमें दाखिल हो रहे हैं। डिप्लो के बारे में अगर मैं बताता चलूँ आपको, तो ये सिंध का एक छोटा सा जो बॉर्डर एरिया का शहर है थरपारकर का, और ये बर्तन बनाने में यहाँ के बर्तन काफ़ी मशहूर हैं, और क्योंकि ये थर का इलाका है तो थर स्टाइल के जो मिट्टी के बर्तन हैं, जिसमें पानी पीने के बर्तन, खाना पीने के बर्तन मिट्टी के, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं और काफ़ी मशहूर हैं। और जो इर्द गिर्द का पूरा जो थर का इलाका है इस शहर की जो है बाउंड्री, उसमें वो सारे के सारे यहाँ से आकर बर्तन खरीदते हैं मिट्टी वाले। उसके अलावा डियर व्यूअर्स, अगर हम इस शहर की आबादी या इस पूरे इलाके की आबादी का जिक्र करें, तो ये तकरीबन लाख डेढ़ लाख के करीब आबादी है इस शहर की, लेकिन ये एक छोटा सा शहर, बिखरा हुआ शहर है डिप्लो। और यहाँ के अगर हम सियासी लोगों की बात करें, तो अरबाब गुलाम रहीम जो कि एक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं सिंध के, ये उनका इलाका है, ये उनका आबाई इलाका है, वो यहाँ के रहने वाले हैं। तो अभी हम इसके जो सेंटर है, मेन चौक है, अभी हम उसमें पहुँच चुके हैं। ये डिप्लो का डिप्लो शहर का चौक है और ये उसका बाज़ार है। और इस शहर के बारे में बताता चलूँ, तो यहाँ पर मतलब हर तरह की आपको सहूलियात मैसर हैं, ATM वगैरह, मुख्तलिफ बैंकों की ब्रांचें यहाँ पर हैं, सरकारी दफातर वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्टोर्स और इस तरह की मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें इस शहर में यहाँ पर आपको मैसर होंगी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं HBL का बैंक आपको नज़र आ रहा होगा। कहने को तो ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन थर के वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पर थरपारकर के इलाके में। डियर व्यूअर्स, इस शहर के इर्द गिर्द और इस शहर में भी, क्योंकि हिंदू आबादी ज़्यादा है, क्योंकि ये हिंदू मेजॉरिटी के इलाके हैं, तो इसमें मंदिर वगैरह काफ़ी हैं इस शहर में भी। और ये एक छोटा सा शहर है लेकिन खूबसूरत
शहर है सिंध का, थरपारकर का। तो डियर व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।